नमस्कार दोस्तों, कोइक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में होगा गुरु का राशि परिवर्तन। इन नौ राशियों की चमकेगी किस्मत, जबकि ये तीन राशियों वाले बर्बाद भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के ऊपर कुछ राशियों के बारे में बताएंगे जो कि नौ राशियों की किस्मत चमक सकती है और तीन राशियों की बर्बादी भी हो सकती है। दोस्तों, क्या है इन राशियों के बारे में बताया गया, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 24 मार्च दोपहर 2:57 से शुरू हो रही है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 24 मार्च दोपहर 2:57 से शुरू होकर 25 मार्च दोपहर 5:26 तक रहेगी। चैत्र नवरात्र हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। दोस्तों, जिसमें खास बात यह है कि इसी माह 30 मार्च 2020 को गुरु अपनी स्वराशि धनु से निकलकर शनि ग्रह की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को एक शुभ ग्रह माना जाता है। दोस्तों, गुरु ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का कारक है। ज्योतिषीय ग्रहों के आधार पर किसी भी ग्रह के स्थान परिवर्तन करने से सभी राशियों पर उसका अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में गुरु के इस राशि परिवर्तन करने से भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, तो कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें सावधान रहने की अति आवश्यकता है। दोस्तों, कौन सी हैं वो राशियाँ, आइए राशि के अनुसार जानते हैं गुरु की चाल का प्रभाव किस राशि के जातक पर कैसा रहेगा। नंबर एक, मेष राशि। दोस्तों, गुरु के राशि परिवर्तन करने से मेष राशि के जातकों की किस्मत खुलने वाली है। इन लोगों को गुरु का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है। इस राशि के लोगों को ना सिर्फ धर्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी बल्कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी तरक्की करेंगे। ऑफिस में इन लोगों के अधिकारी इन लोगों से कार्य से खुश रहेंगे। नंबर दो, वृष राशि। दोस्तों, गुरु के राशि परिवर्तन करने से वृष राशि के लोगों के जीवन पर मिला जुला कर प्रभाव देखने को मिलेगा। इन लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई कीमती तोहफा मिलने के संकेत दिख रहे हैं। नंबर तीन, मिथुन राशि। जी हाँ दोस्तों, गुरु की चाल से मिथुन राशि के जातकों को शुभ शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुरु के प्रभाव से इस राशि के व्यक्तियों के शादीशुदा जीवन में खुशियां आ सकती हैं। वहीं व्यापार में साझेदारी से भी इस राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है। हालांकि वाहन चलाते समय इस राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। नंबर चार, कर्क राशि। दोस्तों, कर्क राशि के जातकों को पेट से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या झेलनी पड़ सकती है। इस राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, साथ ही इस राशि के लोग अपने शत्रुओं से भी बचकर रहें। इनके शत्रु इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर पाँच, सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों को गुरु के आशीर्वाद से संतान की तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको प्रबल सफलता मिलने की संभावना है। कर्क राशि की तरह, लेकिन इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इन लोगों को पेट, मोटापे या सूजन से जुड़ी हुई कोई समस्या झेलनी पड़ सकती है। नंबर छः, कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए गुरु का गोचर लाभकारी रहेगा। इस राशि परिवर्तन से आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माताजी को सेहत का लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस वर्ष आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। नंबर सात, तुला राशि।
दोस्तों गुरु के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि के लोगों को कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इस राशि के लोगों की अपनी भाई बहन से किसी बात पर लड़ाई भी हो सकती है। नंबर 8 वृश्चिक राशि। दोस्तों गुरु के राशि परिवर्तन से आपको इस साल बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस साल आपको कई अलग अलग स्रोतों से धन प्राप्त होता नजर आएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप अपने गुस्से पर काबू पाने में भी सफल रहेंगे। इस राशि के लिए अच्छी बात यह है कि इस साल वृश्चिक राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नंबर 9 धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शानदार रहेगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु आपकी राशि में भी स्थित होगा। इस दौरान आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आर्थिक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। आपके पास एक से अधिक स्रोतों से धन आएगा। नंबर 10 मकर राशि। दोस्तों गुरु के गोचर से मकर राशि के खर्चों में वृद्धि होगी। आपके पास धन तो आएगा लेकिन वह आपके पास रुकेगा नहीं। आर्थिक फैसले लेने से पहले सतर्कता बरतें, वरना आपको धन हानि भी हो सकती है। नंबर 11 कुंभ राशि। दोस्तों गुरु के राशि परिवर्तन से आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे। और नंबर 12 है दोस्तों मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि के लिए गुरु का गोचर शुभ रहेगा। इन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य में तरक्की देखने को मिलेगी, जिससे कि आपका हृदय प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों इस नवरात्रि कुछ लोगों की किस्मत चमकेगी, जबकि कुछ लोगों की किस्मत पर इसका बुरा असर भी पड़ेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।